अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कुछ आठ स्पेशल रीज़न आप लोग के साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से सब लोग के जो वीज़े हैं 2024 में वो डिले हो रहे हैं। किसी न किसी का जो है ना, तकरीबन अगर नॉर्मल ड्यूरेशन 15 डेज था तो आजकल वो 2 महीने से ऊपर ऊपर टाइम फ्रेम ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वो आठ रीज़न क्या है और उसे कैसे बचना है। नंबर वन पे हमारे पास आ रहे हैं एम्बेसी इंटरव्यू। पहले जिस तरह सब लोग को पता है कि यूके एम्बेसी जो थी इंटरव्यू नहीं लेती थी, लेकिन आज के टाइम में एम्बेसी का जो इंटरव्यू है 90% कंपलसरी हो गए। जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं या जिस लोगों ने वीज़ा फाइल किया उसको NSF ईमेल रिसीव हो रहे, तो चांसेस है कि 90% उन लोगों की इंटरव्यू होगी। क्योंकि इंटरव्यू की यहाँ पे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन ये मैं आप लोग को बता दूँ कि फर्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोग की इंटरव्यू हो गई होगी या होने वाली है, और या इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू जो है ना कंपलसरी कर दिया गया था। पहले एग्जाम्पशन थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इसमें अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मेरा इंटरव्यू हो गया है। जो हमारे पास रीज़न है वो बैंक स्टेटमेंट की है। जिस तरह सबको पता है कि जितने भी पुराने स्टूडेंट थे उसमें बहुत ज़्यादा मसला आया था, बहुत सारे लोग की वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए थे और 10 साल का बैन भी हो गया था। वो यही मसला था कि उन लोगों ने फेक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी। वो इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट जिसका कुछ बुनियादी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने सबमिट किया था और फिर चेक इन बैलेंस नहीं था, लेकिन जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया उसके बाद वेरिफिकेशन हो गई तो वीज़े रिजेक्शन स्टार्ट हो गई। उसका मेन रीज़न एक वो भी था कि बैंक स्टेटमेंट। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो इससे पहले एक और भी रीज़न सामने आया था जिसमें लोगों ने फेक डिग्रियाज, फेक सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए थे। उसमें जब उन लोगों ने चेक एंड बैलेंस स्टार्ट किया उन लोगों को पता चला, तो उसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस हो रहे हैं। वो लोग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे, बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे, सब कुछ। तो इसमें ऑब्वियसली अगर इतना चेक एंड बैलेंस हो रहा है तो उसमें टाइम लगेगा, और अगर आपकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है या जो और भी डॉक्यूमेंट्स आपका कुछ भी इसमें मसला नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आई होप कि वीज़ा आप लोग का लग जाएगा। नंबर फोर वो ये है कि इंग्लिश बैरियर। सब लोग को पता है कि हम एशियन लोग जो है इंग्लिश का नाम सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो पहले हम लैंग्वेज सर्ट, ई सॉल ऑनलाइन जो किसी को पैसे दे के पास करते थे, अभी वो सीन ख़त्म हो गए। अभी हम पास करते थे लैंग्वेज सर्ट हो गया, टॉफल हो गया, कुछ और टेस्ट हो गए, तो वो उन लोग का जो वो बिजनेस था वो तो स्टॉप हो गया। अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आइट्स पास करने हैं, और आइट्स में भी कुछ हजरात ने इस तरह किया था, फेक आइट्स सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किए थे। यूके तो वो पहुंच गए थे, लेकिन बाद में उन लोग को परेशानी का सामना पड़ा था। तो एक जो हमारे पास रीज़न है वो इंग्लिश बैरियर भी है। तो अगर आपके पास आइट्स भी है तो फिर भी आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत। हमारे पास एक और रीज़न है जो इसके साथ मिलता जुलता है, वो है खैर वीज़ा। इससे पहले यूके गवर्नमेंट ने खैर वीज़ा अनाउंसमेंट की थी जो इसका इतना चार्जेस नहीं था, लेकिन हमारे कंट्री में लोग क्या करते, यही बात सराउंडिंग होती थी कि भाई आप मैं आपको जो है ना वर्क परमिट प्रोवाइड करूंगा। वो क्या वर्क वीज़ा होता था, उसमें लोग को बुलाते थे यहाँ पे और उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं होता था, यहाँ पे जब आके आपका एम्प्लॉयर ही नहीं होता था, तो उसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हुआ था। तो इस वजह से अभी जो स्टूडेंट की भी वीज़े वो भी ख़तरे में, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से स्टूडेंट के बारे में छानबीन करते फिर इसके बाद ही वीज़ा इशू कर देते। हमारे पास जो रीज़न है वो है हाई डिमांड। यूके में सबको पता है कि हर एक बंदा जब ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा या स्विट्जरलैंड जहाँ पे भी अप्लाई करते वो वहाँ से रिजेक्ट होता था, तो फिर हमारे पास यूके का ऑप्शन ही होता, क्योंकि कंसल्टेंट लोग सभी कहते थे कि यूके आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ पे स्टूडेंट की कमी बिल्कुल है ही नहीं, उन लोग को ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वजह से ये लोग इतना डबल चेक कर रहे हैं। उन लोग की कोशिश ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का भीड़ है वो कम किया जाए, रश है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट, और अजीब अजीब से कारनामे कर रहे। तो वॉल्यूम करने के लिए ये लोग आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। थोड़ा नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप जो है ना 2022 से यहाँ तक हिसाब लगा ले तो अभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये प्रोसेस। नंबर सेवन पे हमारे पास जो सबको पता है भाई कि यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यूके इसलिए आते थे कि उन लोग के लिए एक गेटवे होता था। तो सब लोग जब यहाँ पे आते थे वो अपना BRP कलेक्ट करने के बाद गायब हो जाते, ना तो स्टडी कंप्लीट करता था और ना यहाँ पे उन गवर्नमेंट के लिए भी मसला होता था ट्रैक करना उन लोग के यहाँ पे मसले मसाइल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन सब कुछ है ऑन द रिकॉर्ड होता है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि स्टूडेंट के बारे में सख्ती स्टार्ट की, यूनिवर्सिटी के लिए भी इसमें नुकसान था और यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी मसला था। तो अभी तो
जितना मुझे पता है इलीगल स्टूडेंट के जितने भी मतलब वो प्लान से वो लोग फेल कर रहे, उनको ट्रेस कर रहे, और उन लोग का यही कोशिश है वो यूके से बाहर जाए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग यूरोप वगैरह की वीज़े लगा रहे, यहाँ से बाहर जा रहे। लेकिन एक रीज़न ये भी था कि स्टूडेंट यहाँ पे आते थे और गायब हो जाते, ना तो स्टडी कंप्लीट करते, ना डिग्री को वैल्यू देता। तो यूके में मुख्तलिफ किस्म की इरेलेवेंट डिग्रीज होती थी, और जितना मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये डिग्रीज भी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, और हाई इन डिमांड जो डिग्रीज है आईटी, मेडिकल या और कुछ इस तरह डिग्रीज हो गई, तो उसका रैंक होगा लेकिन कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास जो रीज़न आता है वो तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो किस्म के जॉब होती है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। एक होता है एनआई पे जॉब, जिसके लिए स्टूडेंट 20 आवर जो है ना पर वीक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आते थे ना तो अपने लिए स्टडी कंप्लीट करना, असाइनमेंट बस यूनिवर्सिटी साइट पे छोड़नी थी, ना तो फीस पे करना था, और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करनी थी। और वो जॉब यहाँ पे बस सारा दिन रात एक करके जॉब करना था, पैसे कमाना था। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के जब आप नहीं जाते तो फिर वो आपकी जो वीज़े का स्टेटस है वो ख़राब कर देता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन स्टार्ट की, और ऑब्वियसली ऋषि सोनक ने, जिस जो स्टूडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे भी किए। लेकिन ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग को भी एनएसएफ ये चीज़ें रिसीव हो रही हो, आपके जितने कंडीशन मैंने बताए आप इस पर पूरा नहीं उतरते, आप कह रहे कि नहीं ये गलत है, ये मुझ पर लागू नहीं होते, या मैंने इसके बारे में नहीं सोचे, तो फिर यूके आपके लिए वर्थ इट भी, आप लोग का वीज़ा भी आ जाएगा, होप सो। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म होती, बस एक ही निचोड़ में आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप सही स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे स्टडी के लिए आते हो, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप जो है ना कुछ भी करना चाहते हो, तो फिर वर्थ इट है, और फिर इंशाल्लाह आप लोग का वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों में आपका कुछ भी फेक है या कुछ इस तरह आपके माइंड में है, तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट चेक एंड बैलेंस भी हो सकते हैं। तो वो दो दो तीन तीन बार आप लोग के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। फिर भी अगर आप लोग का कुछ सवाल है और आपका कुछ क्यूरी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।